सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत स्लापड़ पंचायत व धवाल पंचायत के मध्य सौलखड पर पुल के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा है। धवाल पंचायत के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राय के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से मिला और ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने पुल का निर्माण कार्य पहले किए हुए सर्वे के अनुसार करवाए जाने की मांग की, ताकि वहां पर रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों की दुकानें ना टूटें। ग्राम पंचायत धवाल में दलित बशिंदागण परिवार व स्थानीय पंचायत महिला मंडल युवक मंडल के आग्रह पर ग्राम धवाल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समीप दलित परिवारों द्वारा अपनी रोजी रोटी व जीवन बसर करने हेतु पक्की दुकानें व मकान लगभग वर्षों से समाज की भलाई के लिए दुकानदारी पेशे में कार्यरत हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि वे 30-35 वर्षों से यहाँ रोजी रोटी के लिए दुकानें चला रहे हैं, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन इन दिनों विभाग द्वारा वहां से पुल निर्माण सौलखड पर गांव दवाल में मोटर योग्य पुल निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामवासियों में ये डर बना हुआ है कि पुल निर्माण के चलते उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने सरकार प्रशासन व विभाग से मांग की है कि उनके रोजगार से उन्हें महरूम ना किया जाए, और विभाग से मांग की है कि कोई सम्मानजनक स्थिति निकाली जाए ताकि वे सम्मान की जिंदगी जी सकें। रोड का सर्वे पिछली साइड से हुआ था पहले, और सरकार चाह रही है कि यहाँ से रोड निकले, क्योंकि एक महीना हो गया मेरे डैडी को शिमला में एडमिट हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार से कि रोड पीछे से हो और बचाव हो दुकान का, क्योंकि हमारा रोजगार है इसी दुकान से चल रहा है, हमारे पास और कोई सुविधा नहीं है, कोई काम से रोटी रोजी का कमाएंगे, यहीं से कमाएंगे, हम चाहते हैं सरकार से कि रोड पीछे से हो। और मेरा यहाँ 40 साल से काम धंधा कर रहा हूँ सर, टेलरिंग का काम कर रहा हूँ सर, और मेरी वाइफ ये भी टेलरिंग का काम करती है, और हमारे परिवार इसी से पलता है सर। बाकी ये जो डिवीजन हमें बिना देखी से ना कुछ भी पूछताछ करके एकदम हावी हो गया सर जी, हमें तो मटेरियल चखने तक भी टाइम नहीं दे रहा था, एकदम मटेरियल में हमारा घोष दिया नीचे, एक लैट्रिन एक कम दो कमरा आपने खुद नीचे वीडियो बना लो, जो कि इन्होंने कर रहे हैं। अब यहाँ तक भी बारी आने वाली है सर, कहते हैं कि जो हमारा रोजगार छिना जा रहा है, हमें रास्ता बताएं कि हम आगे क्या करें, हम अपना पेट कैसे पालें, कैसे परिवार चलाएं, ठीक है ना सर, इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं। और मैं यहाँ 26 साल से काम कर रहा हूँ जी, वेल्डिंग से, वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ सर, और मेरी दुकानें जो है यहाँ से बचनी चाहिए सर, ये पुल का काम है, तो अभी हमारे को कोई नोटिस नहीं आया हुआ इसका, तो अभी बोल रहे हैं कि उखड़ जाएगी दुकान डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऐसा बोल रहा है सर, अब तो हमारे को कोई मालूम नहीं है, ना कोई नोटिस है ना कुछ नहीं है इससे भी, और हमारी दुकानें बचनी चाहिए, हमारी रोटी रोजी चली गई, परिवार इसी से पल रहा है, और हमारे पास कोई साधन नहीं है सर। हमारे यहाँ जो PWD विभाग जो है एक पुल का निर्माण कर रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि ये पुल बनना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमारे गांव के कुछ लोग यहाँ अपना व्यापार अपना रोजगार 20-25 सालों से कमा रहे हैं, तो हम हमारी सरकार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से प्रार्थना है कि पुल भी बने, और इन बेचारों का जो नुकसान हो रहा है वो उससे भी बचाव हो, इनका यही एक रोजगार का साधन है, और ये सब गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और 20-25 साल से यहीं अपना काम धंधा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये हम सरकार और प्रशासन एक बार मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि पुल का निर्माण होना भी अति आवश्यक है, और इन आदमियों का जो नुकसान हो रहा है उसका भी सरकार और प्रशासन जरूर ध्यान रखे।